हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर 11 3D NCERT एग्जांपल को। तो फ्रेंड, एग्जांपल नंबर 17 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। एग्जांपल नंबर 17 में बोला है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट -5 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो 2, 3, -1। एक प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन दोनों बताओ, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास होता है, और एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो ये दे रखे हैं, वो लाइन बेसिकली इसका क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल उस पर क्या होता है, प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है फ्रेंड। तो हमें इसकी इक्वेशन बताने का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मूला होगा आर वैक्टर माइनस में ए वैक्टर होगा इसका पोजिशन वैक्टर, जो कि पासिंग थ्रू पॉइंट से होगा, तो मेरे को दे रखा 5, 2, -4। तो यानी कि मेरा x1, y1 और z1 हो जाएगा, जिसको मैं ए वैक्टर में रख दूंगा। और ए वैक्टर का मतलब क्या है, x1i y1j + z1k. n वैक्टर क्या होगा, इस प्लेन का नॉर्मल होगा। और क्वेश्चन में बोल रखा कि परपेंडिकुलर टू द लाइन का मतलब है इसका नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो मेरे को कितने दे रखे हैं, 2, 3, -1, यानी कि इसका नॉर्मल क्या होगा, AI BJ CZ। तो यानी डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, यानी A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 एंड C की वैल्यू -1। तो हम इस इक्वेशन पुट कर देंगे, मेरी कौन आ जाएगी, वैक्टर फॉर्म आ जाएगी। और कार्टेशियन फॉर्म बतानी हो तो हम क्या रखेंगे, जो डायरेक्शन रेशियो दे रखे ना, तो ये मेरे ABC है, ABC में यहाँ रख दूंगा, और ये मेरे कौन है, पासिंग थ्रू पॉइंट है 5, 2 एंड -4। तो ये x1, y1 और z1 में रख दूंगा, तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है फ्रेंड। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए। सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए मेरे को क्या दे रखे हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे हैं, प्लेन पासिस थ्रू 5, 2, -4, यानी इस प्लेन के पासिंग थ्रू पॉइंट कौन है, 5, 2, -4, ठीक है। तो मैं इसे क्या बना लूंगा, ए वेक्टर कितना आ जाएगा, 5i + 2j - 4k, ये मेरे वेक्टर ए तैयार हो गया, ठीक है। और ये मेरे को दे रखे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो बेसिकली कहाँ पे होते हैं, नॉर्मल में होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो जो इस प्लेन में क्या है, परपेंडिकुलर, कितना दे रखा है, 2, 3, -1, यानी कि ये मेरे को नॉर्मल दे रखा है। तो बेसिकली मेरा नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा, 2i + 3j - 1k। ए वेक्टर भी आ गया, नॉर्मल वेक्टर भी आ गया, उठा के हम इसमें क्या कर देंगे, इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो बेसिकली आर वैक्टर माइनस में ए वैक्टर कितना है, 5i + 2j - 4k, ये मैंने रख दिया। रखने के बाद डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा किसका, नॉर्मल वेक्टर के साथ, यानी कि n के साथ। n कितना दे रखा मेरा, 2i + 3j - k, इक्वल किसके होगा, ये 0 के, ठीक है फ्रेंड, इक्वल किसके हो जाएगा, ये 0 के। तो ये मेरी होगी वेक्टर इक्वेशन। अब मेरे को बताने इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड। तो कार्टेशियन इक्वेशन मैं दो तरीके से बता सकता हूँ, एक तो इस तरीके से बता दो, या फिर जो तुम्हारा आर वेक्टर ना, आर वेक्टर को रिप्लेस करके भी बताया जा सकता है। जैसे पहले मैं डायरेक्टली बता दूँ, कार्टेशियन फॉर्म बताने ना, तो क्या करेंगे, ABC कौन है, इसके डायरेक्शन रेशियो AB और C, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने, 2, 3 और -1, और इसके पासिंग थ्रू पॉइंट भी दे रखे हैं, कितने दे रखे थे, 5, 2, -4। तो यानी कि x1, y1 और z1 वो दे रखे हैं 5, 2 एंड -4। इन तीनों को उठा के कार्टेशियन इक्वेशन में रख देना। कार्टेशियन इक्वेशन मेरी ये है, a की जगह 2, x1 की जगह मैं कितना रख दूंगा, 5 + b की जगह 3, y1 की जगह 2, c की जगह -1, और फिर z- में z1 -+ हो गया, इक्वल किसके होगा, ये 0 के। अब इस पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2x, 2 5 ज़ा 10, माइनस का 10 कितना हुआ, 3y, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 2 ज़ा 6, माइनस का z, माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये बचा मेरा 2x + 3y - z,
माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 16 एंड माइनस का 20 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस का z, माइनस का 20 इधर इसको आ गया प्लस का, ये मेरी आ गई कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म आ गई, ठीक है फ्रेंड। इस कार्टेशियन फॉर्म को मैं दूसरे मेथड से भी निकाल सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको अगले पेज पे करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड इसका दूसरे मेथड के लिए सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, वेक्टर इक्वेशन उतार ली। तो कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए r वेक्टर को मैं रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के साथ। तो यहाँ मैं रख देता हूँ r वेक्टर की जगह पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस फाइव आई टू जे माइनस का 4k, ब्रैकेट क्लोज, डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j माइनस में k इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड। तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के, माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, 5i माइनस 2j प्लस 4k, डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j माइनस में k इक्वल टू 0। आई वाले टर्म को एक साथ रख लेंगे, एक्स आई माइनस में 5i, जे वाले टर्म को एक साथ वाई जे माइनस में 2j, और जेड वाली एक साथ जेड के प्लस में 4k, और ठीक है ये हो गया, डॉट 2i प्लस 3j माइनस में k इक्वल टू 0। अब फ्रेंड दोनों में से मैंने i कॉमन ले लिया, कितना बचा x माइनस में 5i, दोनों में से j कॉमन ले लिया y माइनस में 2j, दोनों में से k कॉमन ले लिया z प्लस में 4k, डॉट 2i प्लस 3j माइनस में k इक्वल टू 0। अब i वाले टर्म i वाले से मल्टीप्लाई होगी तो i से मल्टीप्लाई वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x माइनस में 5, जे वाले टर्म जे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी 3y माइनस में 2, जे और जे वन हो जाएगा, और के वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस का 1 एंड जेड प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 को एक्स से किया 2x, 2 को 5 से किया 2 5 10, 3 को y से किया 3y, 3 को 2 से किया 3 2 6, माइनस 1 को z से किया माइनस का z, माइनस 1 को 4 से किया माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये बच्चा मेरा 2x प्लस 3y माइनस का z, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 16, माइनस का 20 इक्वल टू 0, एंड 2x प्लस 3y माइनस का z माइनस का 20 उधर x को आ गया प्लस का, तो ये मेरी आ गई कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर मेरा ये एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ओके बाय बाय, थैंक यू।